अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों आज जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट का साफ हेलमेटों के साथ है ट्रीटमेंट। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जो पहले हम अल्फा ब्लॉकर्स कन्वेंशनली यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट फाइलफर यूज़ कर रहे हैं उसके अल्टरनेट कुछ है, तो ये एक साफ हेलमेटो मुझे मिला है जो एक वेरी इफेक्टिव है और हमारे जो बुक्स हैं यूरोलॉजी की उसके ऊपर ये मेंशन है ड्रग कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्विथ यूरोलॉजी एंड कैंपल इसके अंदर ये जो है ना सप्लीमेंटो रिटर्न है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। प्रोस्टेट अगर इनलार्ज हो तो उसके साथ जो सिम्टम आती है वो है पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब की दाग का बारीक हो जाना, यानी कि मीन अगर हम समराइज करें तो पेशाब की रुकावट इससे होती है, यानी पेशाब रुक के आता है पेशाब की रुकावट महसूस होती है पेशाब। तो इसमें हम पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कैंसर या इन्फेक्शन की वजह से या बुढ़ापे की वजह से प्रोस्टेट बड़ा हुआ, तो हम PSA टेस्ट करवाते हैं, TLC करवाते हैं और यूरिन कंप्लीट करवाते हैं। अगर PSA बड़ा हुआ नहीं है, अगर TLC रेज्ड नहीं है, अगर यूरिन के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, इट मीन्स और प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड के ऊपर बढ़ गया हुआ है, तो इट मीन्स ये बुढ़ापे की वजह से प्रोस्टेट बड़ा हुआ है और कैंसर के चांस कम है। इसके अलावा और भी हमारे पास तरीके होते हैं जैसे DNA एग्जामिनेशन, उससे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आगे हम चलते हैं कि इसके सिम्टम्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन। इसके सिम्टम्स जो है वो इंटरनेशनल स्कोर होता है, 35 एक से लेकर 35 तक स्कोरिंग सिस्टम होता है, उससे हम इसको करते हैं। अगर स्कोर 1 से लेकर 7 तक है तो ये माइल्ड सिम्टम आता है, तो इसमें हम जस्ट तर्ज जिंदगी को चेंज करने का कहते हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देखिएगा। और अगर भाई 20 से लेकर 35 तक 20 to 35 स्कोर्स हैं तो ये सीवियर डिजीज है, इसमें हम ऑपरेट की तरफ जाते हैं। तो बीच में जो हमारे पास गैप रह गया जो मोस्टली पेशेंट का होता है 8 to 19 और से लेकर 19 तक जो मॉडरेट सिम्टम है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा सिम्टम है ना बहुत कम सिम्टम है, तो उसके लिए जो हम रूटीन में कन्वेंशनली यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट वो है अल्फा ब्लॉकर्स जिसमें टेम्सुलोसिन, टेराजोसिन, अल्फ्यूजोसिन वगैरह शामिल है और फाइलोप्रोडक्टेज इनहिबिटर जिसमें फाइनोस्टेरॉइड शामिल है, ये यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस है मल्टीपल जिसमें फाइटोथेरापी में हमारे पास आता है सापल्मेटो। सापल्मेटो एक जाड़ीनुमा दरख्त होता है और ये जनूब मगरबी अमरीका में ये खुद रोग उगता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो फैन लाइक होते हैं पत्ते, और इसका जो फल होता है वो बेरी लाइक होता है, उसको सेरेनोर रेपन्स भी कहते हैं। और ये बेरी लाइक जो फल है इसको सदियों से जो रेड इंडियंस हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, यूरिन के रिकावर्ट के लिए सदियों से इसको यूज़ करते आ रहे थे और अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग इस फल को यूज़ करते होते थे। वो इसके एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है, यानी कि साफ एलमेटो का एक्सट्रैक्ट से टैबलेट्स बनाई गई हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है फाइव अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर वाला, लाइक जब टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको कहते हैं 5-अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। तो ये सापल्मेटो जो है ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इस एंजाइम को रोक देता है, इस एंजाइम को काम नहीं करने देता, टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता और प्रोस्टेट का साइज श्रिंक करने लग जाता है और प्रोस्टेट की सिम्टम में अफाका होता है। तो इसको हम अब कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास कन्वेंशनली चल रही हैं ड्रग्स, लाइक जो अगर हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं तो उसका इफेक्ट फौरन आ जाता है, लाइक हम इस तरह भी होता है कि हम अल्फा ब्लॉकर्स दिया तो विद इन 12 आवर्स पेशेंट को इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और जो है फाइरोफ्रेडक्टेज इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनली, उसका इफेक्ट स्लो आता है। और ये जो हमारे पास सापल्मेटो है इसका इफेक्ट भी स्लो आता है, लॉन्ग टर्म ये मेडिसिन यूज़ करनी होती है और आफ्टर 3 to 6 months में मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं रहती। लाइक अगर हम अल्फा ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे और उसको जितना मेडिसिन यूज़ कर लें प्रोस्टेट का साइज सेम रहेगा और इस
मेडिसिन से जान नहीं छूटेगी यानी कि अल्फा ब्लॉकर से, लेकिन अगर हम साफ एलमेटो यूज़ करते हैं तो साफ एलमेटो से हमारी मेडिसिन से जान छूट सकती है 3 से 6 महीने के बाद, हो सके बहुत सारे पेशेंट में जो है हमारी मेडिसिन छूट जाती है। तो एक तो ये इसका इफेक्ट है कि लॉन्ग टर्म में ये एक गुड ऑप्शन है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो अल्फा ब्लॉकर स्पेशल यूज़ कर रहे होते हैं उनमें पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है, यानी कि जब एकदम खड़े होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो इस ड्रग को लेने से ये प्रॉब्लम नहीं होता। जो पेशेंट अल्फा ब्लॉकर ले रहे हैं और वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे इस वजह से, या उनको उसकी वजह से हेडेक होती है या रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन होती है, यानी कि उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अगर इसकी वजह से हो रहे हैं, तो उनके लिए सप्लीमेंटो एक गुड ऑप्शन है। वो सप्लीमेंटो पे आएंगे तो उनका जो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली ये कि सप्लीमेंटो एक फ्रूट है, उसका एक्सट्रैक्ट है, तो एडेड एडवांटेजेस जैसे किसी भी फ्रूट के होते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बाकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, लाइक एक फ्रूट की तरह है, तो उसका एक एडेड एडवांटेज भी इसमें सप्लीमेंटो से हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है सप्लीमेंटो अगर हम ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, वेरी रेयर हेडेक करती है, और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम लाइक नासिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को ये लेने से हो रही है तो अगर कम है तो वो टॉलरेट कर सकता है, तो एट्स दिस ओके। अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकता तो फिर वो इस ड्रग को छोड़ दे और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। इसके अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी मेडिसिन वो ले कुछ दिनों के लिए, तो वो इम्प्रूव कर देगा। ये हमारे इसके ऊपर एडिड एडवांटेजेस हैं सप्लीमेंटो के। और सप्लीमेंटो को भी यूज़ करें अगर आपको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, इसका इफेक्ट देखें बताएं, क्योंकि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको हमने यूज़ किया है मेरे कुछ पेशेंट्स ने, तो उनमें इसमें एडवांटेज मिला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ शेयर करना और उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना तो उसके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।